वजीर आजम और शहजाद अकबर को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी की क्यादत चीनी स्कैंडल में मुलविस है। चीनी स्कैंडल से मुतालिक वफाकी हुकूमत से कुछ सवालात पूछे, अब तक जवाब नहीं मिला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के मुखालफीन पर तनकीदी वार, कहा कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के बहरान की बुनियादी वजह एक्सपोर्ट है। रजाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीजें हुई। जो बचाने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूं इन्वॉल्व है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिंध हुकूमत के जितने भी सवाल थे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वजीर आजम ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और इसी जुमले में आगे वो तस्दीक कर गए अपनी कि वो वजीर आजम नहीं, वो ECC ने की, लेकिन वो कानून से बालातर है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। इल्जाम तराशी की सियासत में कहते हैं यार हमसे 3 अरब का सवाल ना पूछो, हम तुमसे 26 अरब का सवाल पूछेंगे। सिर्फ 11 माह में 40.5 अरब रुपए लोगों ने कमाए हैं। 236 पर कमीशन ने खुद बयान किए, मेरा मौकिफ नहीं है।